नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों आज की वीडियो एक शत्रु, जो लोग शत्रु से परेशान है, शत्रु चाहे वो छुपा हुआ शत्रु हो या फिर आपके जान पहचान में हो या फिर कोई अनजान जो आपका शत्रु बन गया हो, जो आपके पीछे हाथ धो के पड़ गया हो, आपको बर्बाद करने पे, आपकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। तो दोस्तों ऐसे शत्रु को आप प्रयत्न करके भी उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं और उसको किसी भी तरह आप परास्त करने की कंडीशन में नहीं है, तब आपको ये छोटा सा उपाय आसानी से आपको आपकी समस्या से या मुसीबत से छुटकारा दिला देगा, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों आपको करना क्या है। दोस्तों ये उपाय अगर आप रविवार में करेंगे तो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा, ऐसे आप इसको शनिवार को भी कर सकते हैं और मंगलवार को भी कर सकते हैं, लेकिन रविवार ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। आप एक बाजार से एक नींबू ले आए, नींबू साफ सुथरा होना चाहिए दोस्तों, जो दागी ना हो किसी भी तरह की, और रस से भरा हुआ नींबू होना चाहिए। उस नींबू को आप अपने घर पे ले आए और आपको अगर आप शत्रु को पहचानते हैं, उसका नाम जानते हैं, तो आप ब्लू कलर से आप उस शत्रु का नाम लिख दें नींबू के ऊपर। कलर ब्लू ही लेना है या फिर ब्लू कलर की स्याही ले लें या फिर ब्लू कलर ले लें और उस नींबू पे आप शत्रु का नाम लिख दें। शत्रु का नाम लिखने के बाद आप उस नींबू को अपने सामने रखें और उस शत्रु का ध्यान करें। ध्यान इस तरह से करना है दोस्तों कि शत्रु आपकी कल्पना में आपके सामने खड़ा है और आप उसको खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। इस तरह की आपको कल्पना करनी है कि आप उस शत्रु को पकड़ के बुरी तरह पीट रहे हैं। आपको शत्रु को पकड़ के पीटना नहीं है, आपको सिर्फ अपने अंदर ऐसी कल्पना करनी है, कब, जब नाम लिखा हुआ नींबू आपके सामने हो। अगर आप शत्रु को ही नहीं पहचानते हैं, जो मैंने पहले कहा है कि गुप्त शत्रु का भी इसमें आपको समाधान मिल जाएगा, तो फिर आप गुप्त शत्रु लिख दें या फिर शत्रु लिख दें, गुप्त भी नहीं लिखना है, शत्रु लिख दें। शत्रु लिखने से दोस्तों अगर आपके एक नहीं पांच शत्रु भी होंगे तो सारे शत्रु उसमें ऐड हो जाएंगे। या तो शत्रु लिख दें या फिर एक शत्रु है और आप उसको पहचानते हैं तो उसका नाम लिख दें, पर्टिकुलर नाम लिख दें उसका, और बस उस नींबू को उठा के आप कहीं भी खुले आसमान के नीचे आपको आग में जला देना है। छत के नीचे नींबू को नहीं जलाना है। अगर आपके पास खुले आसमान की व्यवस्था, कहीं खुली जमीन की व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर की छत पे भी जला सकते हैं, पर नींबू को खुले आसमान के नीचे जलाना है।
कोई भी आग जला के और उसमें नींबू को डाल देना है। बस समझ लीजिए उसी समय से शत्रु के खराब दिन शुरू होते हैं और धीरे धीरे होगा ये जो हाल नींबू का हुआ है अग्नि में उससे बदतर हाल उस शत्रु का हो जाएगा, वो जल के ढेर हो जाएगा दोस्तों, राख हो जाएगा शत्रु, उसके सारे अस्तित्व को सारा अस्तित्व उसका खाक में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये क्रिया तभी करें जब आपको बहुत तकलीफ हो रही हो, किसी छोटी मोटी झगड़े या अदावत के लिए आप इस क्रिया का प्रयोग ना करें, करते रहिए इसको करने या समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो पूछे अवश्य। नमस्कार दोस्तों।